दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें टेक्निकल यू को, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका टेक्निकल यू में। मैं ही योगेश, मैं आज आपके लाया हूँ हाउ टू रजिस्टर गूगल तेज ऐप एंड हाउ टू ऐड बैंक अकाउंट एंड हाउ टू सेट UPI पिन, उसके बारे में आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए गूगल में आ गए हम, गूगल प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में हमने तेज ऐप को ओपन कर लिया, इसे हमें सिंपली इंस्टॉल करना है। यहाँ से कर लीजिए, देखिए हमने गूगल पिन क्रिएट कर लिया कम्प्लीटली, हम रजिस्टर हो गए। अब हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ से हमें एक काम करना है, अभी सिंपल यहाँ से हमें ये बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो सिंपली हम जाएंगे बैंक अकाउंट में, आपका जो भी बैंक है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसे अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद जो भी जिस सिम स्लॉट में है वो सिम स्लॉट चॉइस करें आप, उसके बाद में कन्फर्म कर दीजिए। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर शो करेगा, ये देखिए ऐड बैंक अकाउंट, यहाँ पर बैंक अकाउंट फाइंड हो रहा है। यहाँ पर कुछ SMS चार्जेस लगेंगे, अगर आपके सिम कार्ड में तकरीबन 2 रुपये तो भी होना चाहिए तभी ये वेरीफाई होगा। तकरीबन 1.50 रुपये ये कट कर लेता है आपके अकाउंट में से, उसके बाद ही ये SMS और ये सारी प्रोसीजर हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मेरा महाराष्ट्र बैंक में 2 अकाउंट है, तो 2 के 2 अकाउंट, तो सिंपली उसमें से हम एक अकाउंट चॉइस करेंगे जो कि मैं 1 नंबर वाला कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास UPI पिन सेटअप कर रखा है मैंने, अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ पर क्लिक करें, मेरे पास है इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे मेरा जो UPI पिन है सिंपली मुझे यहाँ पर डालना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर UPI पिन डाल रहा हूँ जो कि मेरा है ऑलरेडी, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर आपका UPI पिन सेटअप करना होगा। उसके लिए आपको डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट और वैलिडिटी लगेगी, उसके बाद में OTP आएगा और हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट भी ऐड कर लिया है, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर गए हम, तो यहाँ पर है मेरा अकाउंट, एक मिनट, यहाँ पर जाते हैं हम सिंपली सेटिंग में जाकर देखते हैं। सेटिंग में जाकर जाएंगे आप तो यहाँ पर बैंक अकाउंट, आपका रजिस्टर, मोबाइल नंबर, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर है। तो बैंक अकाउंट पर सिंपली क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप बैलेंस भी चेक कर सकते हैं आपके बैंक बैलेंस कितना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बैंक बैलेंस शो होगा, ये देखिए बैंक बैलेंस अगर शो होता है आपका तो इसका मतलब ये होता है कि कम्प्लीटली आपका अकाउंट रजिस्टर हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा बैंक बैलेंस सब कुछ शो कर रहा है। तो देखिए हमने कम्प्लीटली रजिस्टर कर लिया, कम्प्लीटली बैंक अकाउंट ऐड कर लिया। तो दोस्तों इसके बारे में अगर और भी कुछ जानकारी चाहते तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।